हेलो गाइज, बगिस्टर में आपका स्वागत है। मैं पूरा अखिलेश। आज हम देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, जावा स्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होगा? अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन नंबर्स। अरिथमेटिक ऑन नंबर मीन्स सम कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए जो ऑपरेटर हम लोग यूज करने वाले हैं वो क्या होने वाला है? जैसे अभी देखो, कैलकुलेशन हम लोग नंबर्स भी कर सकते हैं, कुछ नेम को ऐड करना हुआ। ओके, तो मे बी लिटरल्स, कोई प्राइस वैल्यू हुआ उसको हम लोग को ऐड करना हुआ, कोई वेरिएबल वैल्यू हो उसको कैलकुलेशन करना हुआ। तो जो कैलकुलेशन हम लोग यूज करेंगे उसके लिए क्या क्या ऑपरेटर आने वाले हैं? जिससे अभी फर्स्ट ऑपरेटर है एडिशन। एडिशन के लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे। ओके, प्रीवियस एग्जाम पे हम लोग देख चुके थे। ओके, तो वो देखते हैं। पहले हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस वाई यूज किए थे, तो यहाँ पे जो ये प्लस था, प्लस प्लस इज ए एडिशनल ऑपरेटर। ओके, इसका यूज क्या है? इसका यूज है एट द नंबर। ओके, नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शंस। सब्सट्रैक्शंस मीन्स इफ यू वांट टू माइनस अ नंबर, कोई नंबर अब आपके पास है, आप उसको माइनस करके दिखाना है, सबट्रैक्ट करना है, तो आप इसके लिए सब्सट्रैक्शंस यूज करोगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशंस। मल्टीप्लीकेशन सिंपली फॉर मल्टीप्लाई करने के लिए। इसका हम लोग सब एक एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। पहले हम लोग लिस्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियंस। एक्सपोनेंशियल मीन्स रेज द फर्स्ट ऑपरेंड टू द पावर ऑफ सेकेंड ऑपरेंड। मीन्स सपोज मुझे कुछ ऐसा चाहिए लाइक 2 to power 4 या 2 to power 3। 2 to power 3 मीन्स 2 into 2 into 2। तो हम लोग इसके थ्रू, एक्सपोनेंशियल के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिविजन। डिविजन फॉर लाइक डिवाइड द नंबर। मॉड्यूलस रिमाइंड ऑपरेटर और रिमाइंडर ऑपरेटर इसको बोल सकते हो। ये क्या है? सपोज हम लोग कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं, नंबर डिवाइड होने के बाद जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग मॉड्यूलस थ्रू निकाल सकते हैं, या आप हिंदी में कोई देखोगे तो उसको शेषफल बोलते हैं। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 10 है, 10 डिवाइड पर मैंने 3 किया, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, हम लोग डेसिमल में नहीं जाएंगे। तो अगर 10 डिवाइड बाई 3 करता हूँ तो क्या होगा? 3 10 डिवाइड बाई 3 आंसर 3 आएगा, पर शेषफल 1 आएगा। तो वो जो 1 हम लोग को निकालना है वो आएगा किससे? रिमाइंडर से। ओके, नेक्स्ट इंक्रीमेंट है एंड डिक्रीमेंट है। ये ऑपरेटर क्या करेगा? इंक्रीमेंट कोई भी नंबर हो उसको 1 नंबर इंक्रीज कर देगा, एंड डिक्रीमेंट 1 नंबर डिक्रीज कर देगा। इसको हम लोग एक इसके थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो लेट्स क्रिएट वन फाइल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर ओके .html, मैंने एक फाइल बनाया। ओके, ये फाइल आ गया मेरा। अब यहाँ पे मैंने लिया डॉक टाइप। ओके, HTML स्टार्ट करते हैं। देखो इस विजुअल स्टूडियो कोड का बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे, कि हम लोग जो टैग मैं ओपन कर रहा हूँ वो टैग ऑटोमेटिक वो क्लोज कर रहा है। मतलब ये सब एक्स्ट्रा हम लोग इस पर ध्यान नहीं देना है, ये बेनिफिट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक हेड टैग लेते हैं। देखो हेड मैंने क्लोज किया, उसने तुरंत क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे मैं एक बॉडी लेने वाला हूँ। ओके, बॉडी के अंदर सिंपली क्या दिखाऊंगा? एक बटन ले लेते हैं। ओके, बटन में कैसा होगा कि हम लोग कुछ कैलकुलेशन करके करेंगे तो लुक एंड फील अच्छा आएगा। ओके, मैं बोलूँगा यहाँ पे क्लिक हियर। ओके, क्लिक हियर में मैं एक फंक्शन का नाम देता हूँ ऑन क्लिक करके। ऑन क्लिक होने के बाद एक फंक्शंस बनाऊँगा, फंक्शंस ऐड करके। ओके, फंक्शन ऐड करके और फंक्शंस में ऊपर बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन डिक्लेयर करने, फंक्शन कीवर्ड है और फंक्शन का नाम मैंने ऐसे डिक्लेयर किया। ये देखो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएगा, इसलिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ। अगर इसको हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग देंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर पास करेंगे तो प्रॉपरली यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि दिस इज अ फंक्शंस। ओके, अभी इस फंक्शन के अंदर मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल एक्स नाम का एक डिक्लेयर
डिक्लेयर हुआ जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है। दूसरी वैल्यू में लेता हूँ y, y इक्वल टू यहाँ पे ले लेता हूँ 20, ओके। एंड वेरिएबल z इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे x प्लस y दिया। तो यहाँ पे मैं जो यूज किया वो कौन सा ऑपरेटर है, एडिशन, ओके, एडिशन ऑपरेटर, ओके। इसको हम लोग किस में देखेंगे, ओके, हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पे H1 करके, इसमें आएगा, इसका आईडी का नाम मैं देता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय याद होगा, ओके। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी आईडी देंगे वो आईडी एक्सेस करके उसकी इनर एचटीएमएल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ओके। सी अभी यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे आईडी रिजल्ट है, तो रिजल्ट मैंने यहाँ पे पास किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब वो पेज में से इस आईडी को एक्सेस करके एचटीएमएल के अंदर जो रिजल्ट है, सो ये रिजल्ट का वैल्यू यहाँ पे फिलहाल जेड रहेगा, ओके। जेड मीन जो टोटल यहाँ पे सेव हो रहा है, ये एक्चुअली रिजल्ट है अपना, तो मैं जेड यहाँ पे सेव किया। इसको सेव करते हैं और इसको लाइक ओपन करते हैं, ओके। ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओके। यहाँ पे एक बटन आया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, वैल्यू मुझे कुछ मिला नहीं यहाँ पे, देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पे। फंक्शंस वन ऐड डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी के, डॉक्यूमेंट को गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ तो सब सही है, आउटपुट क्यों नहीं आया। इसको हम लोग F12 करेंगे, कुछ मिस्टेक होगा तो हम लोग को इंस्पेक्ट एलिमेंट पे मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे कंसोल में एरर दिखा रहा है, आप एरर चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फंक्शंस वन ऐड इज नॉट डिफाइंड, मतलब बटन को ये फंक्शंस नहीं मिल रहा है, फंक्शंस वन ऐड क्यों नहीं मिल रहा है, एक बार देखते हैं, ओके। स्पेलिंग मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया है, देखो F1 ऐड इस नाम का फंक्शंस है और यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, इसलिए उसको मिला नहीं, ओके। तो अगर अगर आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है तो आप इसको इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके चेक कर सकते हो, ओके। कंसोल में जो भी एयर लॉग होगा यहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे ये भी इंडिकेट करेगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर इस पेज के अंदर इस लाइन नंबर पे ये फंक्शंस नहीं मिल रहा है, ओके। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा बटन लाइन नंबर 15 पे है, तो यहाँ पे इंडिकेटर भी वो 15 नंबर पे दिखा रहा है, ओके। या इसको हम लोग क्लोज करते हैं, इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं एंड चेक करते हैं, ओके। 30 आ गया, ओके। तो अभी कैसा हुआ 30, एक बार चेक कर लो। यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू है, सेकेंड वेरिएबल के अंदर 20 वैल्यू है, और थर्ड वेरिएबल में दोनों को मैंने ऐड करके यहाँ पे इसके अंदर पास कर दिया है, ओके। सो नेक्स्ट ऑपरेटर अपना क्या था, सब्सट्रैक्शंस, ओके। सब्सट्रैक्शन किसके लिए है, सब्ट्रैक्ट और माइनस द नंबर, इसके लिए जो ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग, ये क्या यूज करेंगे, माइनस। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सेम फंक्शंस एक बार और बनाता हूँ, ओके। जस्ट यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, माइनस, और ये मेरा क्या है, सब्सट्रैक्ट, ओके, सब्सट्रैक्ट ऑपरेटर। हाँ अभी फंक्शंस चेंज करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं एक और बटन लेता हूँ, इस फंक्शन का नाम मैं अलग दूंगा, इस फंक्शन का नाम मैं देता हूँ सब करके। तो ये जो मेरा फंक्शन नाम है ये मैं कॉपी करके यहाँ पास करता हूँ। देखो फंक्शन एक्चुअली करता है क्या यहाँ पे, कि अगर सपोज मुझे एक पेज में अलग अलग कोड लिखना है और कोड एक साथ में रन नहीं होना चाहिए, किसी बटन में रन होना चाहिए या किसी अदर कंडीशन में रन होना चाहिए, तो वो फंक्शंस के एक नाम के अंदर रहेगा, तो हम लोग जब भी उस पार्ट आप कोड को कॉल करना रहेगा इसको कॉल कर देंगे, कॉल इन द सेंस मीन्स ऑन क्लिक पे या ऑन सबमिट पे, कोई भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है, यहाँ पे अभी ये क्लिक किया में मैं यहाँ पे बोलता हूँ एडिशन करके, और यहाँ पे क्या बोलता हूँ, सब्सट्रैक्ट करके। तो इससे मीनिंग क्या होगा कि अगर आप आउटपुट देखोगे, यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे आप मेंशंस किया है,
एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट। आप इसको कॉल करोगे, ये फंक्शन वन ऐड के पास जाएगा यहाँ पे और एक कैलकुलेशन करके ए आउटपुट देगा, और इसके पास नहीं जाएगा बिकॉज ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसका ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है। ओके नेक्स्ट, अब फंक्शन वन सबको क्लिक करोगे, सब्ट्रैक्ट को ए इसके पास जाएगा और इसका ये कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट यहाँ तक है तो इस पार्ट को रन करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको सेव करके रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे एडिशन एडिशन आया, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट आया। ओके एडिशन में जब क्लिक करोगे तो 30 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे तो -10 आ रहा है। -10 कैसे आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना है 10 है, 10 माइनस 20 यहाँ पे कितना आया -10, -10 यहाँ पे सेट हुआ। ओके सेम फॉर हम लोग अदर देख लेते हैं। ओके यहाँ पे मैं देखता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके यहाँ पे आप देख लो मल्टी, ओके यहाँ भी क्या आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे अपने को चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके चलो एक बार देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा। ये सब सिंपल सिंपल ऑपरेटर हैं कि प्लस क्या करता है माइनस क्या करता है। ओके समझ में, तो यहाँ पे 10 × 20 हुआ मल्टीप्लाई में। ओके नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल्स। एक्सपोनेंशियल्स क्या बोल रहा था कि सपोज आपके पास कोई नंबर है, ओके ये नंबर यहाँ पे मैं पास करता हूँ एक्सपोनेंशियल्स, एक्सपो करके पास करता हूँ और इसको मैं पास करता हूँ सेम फंक्शंस नेम, जिसको ध्यान से समझना है इसको क्या बोलने का मतलब इसको। ओके एक्सपोनेंशियल्स TIN के TIN इसको पास करो, छोड़ दो इसको, इसमें टाइम वेस्ट ना करें। और यहाँ पे x का वैल्यू मैं सपोज पास करता हूँ 5, इसकी वैल्यू मैं पास करता हूँ 2, तो यहाँ पे क्या होगा x स्टार स्टार 2 टाइम x स्टार स्टार। ओके यहाँ पे क्या होगा समझा, 5 to power 2 मतलब 5 का पावर 2 है, मतलब वैल्यू क्या होगा 5 × 5। इसका जो आंसर आएगा एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसा होगा 5 × 5 ऐसा आएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो 5 × 5 कितना आएगा 25। और अगर मैं यहाँ पे 3 पास करता हूँ मतलब इसका मीनिंग क्या होगा कि 5 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 3 टाइम होगा। ओके आज समझो अगर मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ या 5 पास करता हूँ इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम होगा। ओके ओके 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 8। ओके तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो यहाँ पे देख लो कितना 32 आ रहा है। ओके तो ये जो हम लोग डबल स्टार यूज किए हैं इसके थ्रू ये क्या हो रहा है x²y हो रहा है, मतलब 2 to power 5 हो रहा है। ओके ये वो अपना एक्सपोनेंशियल। सेकेंड है डिवीजन। डिवीजन क्या करेगा, कोई भी नंबर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका प्रॉपर आंसर देगा, वो डिवाइड करके डेसिमल में तो डेसिमल में देगा, अगर डेसिमल में नहीं है तो प्रॉपर नंबर देगा। ओके डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, इसको मैं यूज करता हूँ 5 देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे 2 देता हूँ। ओके आपको डेसिमल नंबर अभी फ़िलहाल तो एग्जैक्ट नंबर देते हैं, लाइक यहाँ पर मैं 10 दिया या 2 देता हूँ, यहाँ पे सिंपली ऐसे यूज करूँगा डिवाइड। ओके ये अपना डिवाइड के लिए है, ओके डिवीजन ऑपरेटर हो गया। ओके यहाँ पे कैसे आएगा, हाँ इसके लिए आप लोग को एक बटन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं सब अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ कन्फ्यूजन ना हो, एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। ओके तो जब भी मैं यहाँ पे डिवीजन कॉल करूँगा, ओके डिवीजन में क्या होगा ये फंक्शन इसको कॉल करेगा, यहाँ पे 10 × 2 है तो 10 / 2 आंसर 5 आएगा यहाँ पे। ओके यहाँ 5 आया। अगर आपका नंबर लाइक ऐसा है 9 है तो 9 / 2 वो जो आंसर आएगा आपका डेसिमल में आएगा, अगर डेसिमल में तो डेसिमल में आएगा और अगर डायरेक्टली नंबर तो नंबर डायरेक्ट में आएगा।
नेक्स्ट है मॉड्यूलस और रिमाइंडर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर सेम यही नंबर मैं मॉड्यूलस में पास करूँगा तो देखना क्या होगा। इसको मैं मॉड्यूलस में पास करता हूँ। मॉड में मॉड के लिए हम लोग परसेंटेज सिंबल यूज करेंगे। और ये फंक्शन का नाम हम लोग नीचे पास करते हैं, एक और बटन बना के। फंक्शंस को मैंने यहाँ पास किया। हाँ, अभी जैसे हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे, ये जाएगा फंक्शन वन के पास। यहाँ पे 9 है, 2 है, 9 मॉडुलर 2। यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर हम लोग 9 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 4.5 आएगा। बट मॉडुलर ऑपरेटर क्या करता है, उसको डेसिमल तक नहीं ले जाता है। जहाँ तक डिवाइड प्रॉपर होगा एग्जैक्ट नंबर से, वहाँ तक डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो बताएगा। लगेगा अगर सपोज मैं यहाँ पे 9 / 2 करता हूँ, इसका एक्चुअल आंसर 4.5 आता है, बट ये 4 तक जाएगा। 4 तक गया मतलब क्या, 2 2 2 4 8, बचा कितना, एक नंबर बचा रिमाइंडर में। तो जो 1 आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, 4 तक जाएगा, 2 2 2 4 8, तो 9 / 8, 9 - 8 = यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 आएगा। तो ये जो 1 नंबर है वो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। करते हैं इसको। यहाँ पे 1 आया। बात समझो कैसे हो रहा है, अगर आप कोई नंबर चेंज करके देखो, सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया 10, अब कितना आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, 0 आएगा इसमें। रिमाइंडर 0 आएगा। अगर आप कोई 50 देते हो यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर देते हो 25, यहाँ पे 0 आएगा। या यहाँ पे ले लो सपोज 9 लो। अब 9 से करो करोगे तो 9 जा इसमें जो सक्सेसफुली डिवाइड होगा 45 आएगा। 9 5 जा 45, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना आएगा, 5 ऐसे बचेगा यहाँ पे। रिमेनिंग यहाँ पे क्या आएगा, 5। तो समझ में आया मोड कहाँ से आ रहा है। एडिशन हुआ आपका, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, डिवीजन एंड मोड। लास्ट में 2 नंबर बचा है, ये है कि एक है डिक्रीमेंट है और एक है इंक्रीमेंट। ये क्या करता है, सपोज ये साथ में देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। इसमें पास करता हूँ मैं एक फंक्शंस डिक्रीमेंट करके। डिक्रीमेंट, इसमें मगजमारी कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। एक्स का वैल्यू कितना है, 50 है। यहाँ पे मैं क्या पास किया, एक्स पास किया। एक्स का वैल्यू 50 है, ये आपका डिक्रीमेंट वाला है। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शंस बना के इसमें कॉल करेंगे। डिक्रीमेंट, हाँ देखो क्या होगा। अभी फिलहाल मैंने ऑपरेटर यूज नहीं किया है, अभी मैं डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा, 50 आ रहा है। अभी यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू 50 सेट है, और एक्स डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इस वैल्यू और इस आउटपुट के बीच में एक्स का अगर मैंने माइनस माइनस कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स माइनस माइनस मीन्स इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 50, यहाँ पे आके एक कम हो जाएगी, और यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 49। देखो यहाँ पे आप, कितना आया, 49। मतलब इसको आप जितनी बार यूज करोगे वैल्यू उतनी बार 1 1 माइनस होगा। अभी मैं 4 टाइम यूज किया, 4 टाइम यूज किया, 4 बार यूज किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 46। दिस इज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और सेम आप अगर प्लस के साथ यूज करोगे तो प्लस क्या करेगा, उसको उसी नंबर को इंक्रीमेंट करेगा। ये अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और यहाँ पे फिलहाल मैं ये सेम कॉपी कर लेता हूँ। फंक्शंस में कन्फ्यूजन मत होना, फंक्शंस जस्ट एक पार्ट ऑफ कोड है, जितने पार्ट को हम लोग रन करना होगा उसको कॉल करेंगे। यहाँ फिलहाल मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँगा लास्ट वाला, ये जाएगा इसके पास, इसके पास मतलब इसके पास जाएगा, और इसके अंदर वो कोड रन करेगा। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू 50 है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी 50 आएगा। पर डायरेक्ट आंसर देख लो, इंक्रीमेंट 50 आया, और यहाँ पे
जैसे ही आप चेंज करते हो, एक्स को प्लस प्लस मारते हो, वो क्या होगा, एक वैल्यू इंक्रीज जाएगा। ओके, दो बार यूज करोगे, दो बार इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, 52 आया। यहाँ पे अगर आपने ऐसे किया, मतलब तो साथ में भी अगर यूज किए तो भी वो काम करेगा। मतलब सपोज एक्स को मैंने यहाँ प्लस किया और फिर एक्स को मैंने माइनस किया, एक्स को प्लस किया एंड एक्स को माइनस किया, तो कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 50 है, तो यहाँ पे कितना हुआ, ए 51 हो गया। यहाँ पहुँचा तो वापस वो 50 हो गया, यहाँ पहुँचा अगेन 51 हो गया, और यहाँ पहुँचा तो वापस 50 हो गया। मतलब जो लास्ट आंसर आया वो क्या आएगा, यहाँ पे 50। ओके, क्या आएगा, 50। मतलब इन शॉर्ट हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल इसको मैं एज ए प्लस रखता हूँ 2 टाइम। मतलब ये जब नंबर यहाँ पे आया तो 51 हो गया, और यहाँ पे आया तो क्या हो गया, 52। जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, 52 आएगा। ओके, तो एडिशन ऐड किया नंबर को सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्ट करने के लिए, इसको आप थोड़ा ऐसे देख लो। ओके, तो ये पढ़ रहा। अभी हम लोग जो नंबर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो नंबर है यहाँ पे, इस नंबर को और एक्स में स्टोर किया है, फिर यहाँ पे हम लोग कोई ऑपरेटर यूज किया है। ऐसे जो स्टार्टिंग में देख लो, यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो जिसके अंदर नंबर है, ओके, इसके अंदर नंबर है लाइक जेड एक्स वाई, ये यहाँ पे ऑपरेंड्स है। ऑपरेंड्स मीन्स लाइक जो वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं वो ऑपरेंड्स है, जो हम लोग ऑपरेटर यूज करने वाले हैं वो ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब लाइक प्लस यूज कर रहे हैं कि माइनस यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंशियल है, डिवाइड है। ओके, तो द नंबर इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। नंबर मीन्स व्हाट, एक्स एंड वाई। ओके, इसको हम लोग डायरेक्ट अगर ऐसे भी यूज करेंगे, सपोज 10 प्लस 20, यहाँ पे 10 एंड 20 क्या है, ऑपरेंड्स है, एंड प्लस इज ऑपरेटर। ओके, द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म बिटवीन द टू ऑपरेंड्स, मतलब दोनों बीच के अंदर जो दोनों नंबर के बीच में जो ऑपरेशंस होगा, इज डिफाइंड बाय ऑपरेटर। मतलब ओके, कौन डिफाइन करेगा, ऑपरेटर, कि नंबर प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दो टर्म है, दो वर्ड है, उसको समझो, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड्स क्या है। ऑपरेटर इज जो हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं वो है, एंड ऑपरेंड्स मीन्स जो नंबर हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 100 प्लस 200 है, मतलब यहाँ पे 100 एंड 200 क्या है, ऑपरेंड्स है, एंड प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो इन द एवर नंबर 100 एंड 200 इज ऑपरेंड्स एंड प्लस इज ऑपरेटर। सो गाइस, हम लोग अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे कवर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।